हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशन प्लेटफॉर्म दक्षिणा ई क्लासरूम पे। सो मैं आज आपके साथ जो डिस्कस करने वाला हूँ, आपके होमवर्क 10 का सॉल्यूशन यहाँ पर डिस्कस करेंगे हम। और इसके बाद जैसे कि जो भी हम होमवर्क डील करने वाले हैं उसके अंदर सारे के सारे आपके जो इजी क्वेश्चन होंगे इसके सिर्फ मैं हिंट बता के आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि इजीली बहुत हो जाते हैं। और जरूरी नहीं हर एक क्वेश्चन को हम उसके आंसर तक पहुँचाएंगे, क्योंकि हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है। जिस भी मेथड को मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा उसको पक्का आपको उस तरीके से जाएंगे तो पक्का आंसर मिलने वाला है, क्योंकि मैंने पेपर पे सॉल्व कराया वो सब चीज़ें। ठीक है, तो थोड़ा सा मेहनत आप भी करके आइएगा, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली थोड़ी देर बैठे और उसके बाद डायरेक्ट यहाँ पर क्वेश्चन हो गया, तो उससे आपका कोई डेवलपमेंट भी होने वाला है। तो कोशिश कीजिएगा कि अच्छे से ट्राई करके आइएगा, फिर यहाँ पर थोड़ा सा हिंट देख के आपका काम बन जाएगा। सो बिना कोई आपका टाइम वेस्ट करे चलते चलिए फिर से शुरू करते हैं। सबसे पहले होमवर्क 10 हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपका, तो सबसे पहले आप आ जाइए एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 के D1 क्वेश्चन पे। सो क्या दे रखा है, प्रिज्म ऑफ एपेक्स एंगल 90 डिग्रीज प्लेस्ड इन एयर, व्हाट शुड बी एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट लाइट स्ट्रेट राइट सेकंड सरफेस एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस 60 डिग्री। भाई देखो ये है, एक प्रिज्म है आपकी इस तरीके से है और उसका जो एंगल है ये कितना 90 दे दिया है। ठीक है, और एक रे इंसिडेंट होती है दूसरे सरफेस के ऊपर कितने पे, ये आपकी है ये 60 डिग्री का एंगल है। ठीक है, और आपका एक तरीके से मैं यहाँ से एक ये चीज ही बता सकता हूँ कि भाई ये जो एंगल होगा ये कितना हो जाएगा 30, क्योंकि R1 + R2 कितने होते हैं आपके 90 के इक्वल होते हैं। ठीक है, तो ये वाला एंगल आई कुछ हो जाएगा। क्या पूछा, क्या है, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट लाइट रे। अच्छा, इसका रिफ्रेक्टिव इंडेक्स n = कितना दे रखा है, 2 दे रखा है। साइन आई अपॉन में साइन 30 = कितना आ जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाएगा 2 आ जाएगा। साइन 30 कितना होता है 1/2, तो साइन आई कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर 1 आ जाएगा। आई इक्वल टू कितना आएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, सो क्या पूछा था, एंगल ऑफ इंसिडेंस मतलब गेजिंग इंसिडेंस होना चाहिए आपका, कितना होना चाहिए गेजिंग इंसिडेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये आपका कौन सा था भाई, D1 था ये आपका। ठीक है, D2 पर आ जाइए इसी के। The cross section of a glass prism has a form of equilateral triangle, ray incident and one faces of the perpendicular to it. Ray incident onto one of the face perpendicular to it. Find the angle theta between the incident ray and the ray leaves the prism. एंगल थीटा कितना है, मतलब डेविएशन पूछ रहा है इंडायरेक्टली। द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कितना है, म्यू की लिख दे रखी आपकी 1.5। ठीक है, बोल रखा है कि एक फेस के ऊपर, तो भैया ये आ रही है आपकी परपेंडिकुलर, चलो मैं इसी फेस के ऊपर परपेंडिकुलर ले लेता हूँ, तो एक ही बात हो जाएगी वैसे तो, किसी भी ले लो। ठीक है, तो ये आपका कितना है, ये है आपका 60, तो यहाँ पर तो ये 0 हो गया आपका R1, तो R2 ये भी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और ये आपका ऐसे निकल गया है। ठीक है, तो जो भी डेविएशन हुआ है वो यहीं पर ही हुआ है, मतलब ये रहे आपकी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ जब आई है तो यहाँ पर कोई भी डेविएशन नहीं है, तो जो भी डेविएशन हुआ है वो आपको यहीं हुआ है। ठीक है, तो जरा पहले देखते हैं, यहाँ पर 60 था और यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका आपका, तो ये आपका आ जाएगा साइन 60 अपॉन में क्या है साइन आई, कितना हो जाएगा साइन ई, आई नहीं बोलेंगे एक्चुअल में इसको साइन ई, साइन ई तो ये किसके इक्वल हो जाएगा भाई आपका रिफ्रेक्टिव 1/1.5, तो कितना आ जाएगा भाई ये साइन ई की वैल्यू मुझे निकालनी है एक तरीके से, साइन 60 कितना होता है 3/2, ये कितना हो जाएगा ऊपर आ जाएगा इनटू कितना आ जाएगा 3/2, ये कितना आ जाएगा साइन ई की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास। ठीक है, साइन ई की वैल्यू आ जाएगी और ई एंगल कितना आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ दिस क्वांटिटी 3√3/4, इसका साइन इनवर्स आ जाएगा मेरे पास ई एंगल। ठीक है, और अगर मेरे पास ये ई एंगल आ चुका है तो मेरे पास जो डेविएशन होगा डेल्टा जो पूछा है इसने, क्योंकि इसने ये चीज पूछी कि इंसिडेंट रे और आपके रिफ्लेक्टिव रे के बीच में जो एंगल है वो कितना है, भाई इंसिडेंट रे को आप क्या पूरा एक्सटेंड कर दो आगे की साइड में, और ये क्या आपकी, ये तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे ये आपकी इंसिडेंट रे, तो इसको मैंने ये तो यहाँ पर कोई डेविएशन हुआ सीधा निकाल दिया, और ये आपका क्या है, ये आपका आएगा डेल्टा। ठीक है, और ये एंगल है दोनों के बीच का, तो इसको डेल्टा को अगर हम बोलेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, वो हो जाएगा आपका ई माइनस दिस 60, ये हो जाएगा। ठीक है, देख लेना आंसर मैच हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं,
अब आ जाइए पर एक्स इसी के पार्ट टू पर और पार्ट टू के डी वन और डी टू को सॉल्व करेंगे। पार्ट टू डी वन ये मोनोमीटर इंसिडेंट ऑन रिफ्लेक्टिव फेस प्रिज्म 75 डिग्री, प्रिज्म का एंगल है कितना 75। इट पासेस थ्रू द प्रिज्म, इट्स इंसिडेंट ऑन द अदर फेस क्या है क्रिटिकल एंगल, ठीक है। द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म इज रूट टू, रूट टू दे दिया है, ठीक है। और बोला गया है कि भाई ये जो लाइट रे आ रही है जैसे भी आ रही है ये इस पर जो है आपकी क्रिटिकल एंगल पर आ चुकी है, क्रिटिकल एंगल इसकी वजह से कितना हो जाएगा भाई रूट टू का कितना होता है 45, ये पता लग रहा है मुझे, मैं डायरेक्टली रख रहा हूँ इसको। ये क्या हो गया यहाँ पर गेजिंग हो गया, गेजिंग मतलब ये हो गया आपका 90 आ चुका है, ये 45 है, तो ये दोनों मिला के ये आर वन और आर टू मिला के कितना 75 होनी चाहिए, ये कितना हो गया 30 हो गया। एंगल आई साइन आई अपॉन में साइन 30 इज इक्वल कितना आ जाएगा आपका रूट टू हो जाएगा, आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से। एंगल ऑफ इंसिडेंस पूछा था, आगे बढ़ते हैं फटाफट डी टू को पढ़िए। डी टू के अंदर क्या एक प्रिज्म हैविंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स रूट टू, रिफ्रेक्टिव रिफ्रेक्टिंग एंगल 30 भाई इसका है आपका रूट टू, रिफ्रेक्टिव एंगल कितना है इसका 30, ठीक है। तो ठीक है ठीक है, ए बीम ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन द अदर रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल रिट्रेस इट्स पाथ विद द एंगल ऑफ इंसिडेंसेस, मतलब कि भाई रिट्रेस कर रही है पाथ अपना, ठीक है, रिट्रेस कर रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि इसका जो है ना ये ऐसे है, मतलब मैं उल्टा ट्रेस कर रहा हूँ लाइट को, भाई ऐसा आई होगी तो जाएगी भी ऐसे ही और ऐसे जा रही है, तो इसका मतलब क्या है ये आपकी कुछ ऐसे होगी, तो ये एंगल भाई ये एंगल तो क्या हो गया एक तरह से जीरो हो गया, ठीक है। और ठीक है ये एंगल तो आपका हो गया जीरो हो गया, और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 30 हो जाएगा, तो ये वाला एंगल कितना होना चाहिए साइन आई अपॉन में साइन 30 इज इक्वल टू कितना आएगा रूट टू आएगा, आई की वैल्यू निकल जाएगी आपकी यहाँ से, आई की वैल्यू कितनी आएगी 45 आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं अब अजय पार्ट एक्सरसाइज टू पार्ट सेकंड, एक्सरसाइज टू पार्ट सेकंड आ गया, तो एक्सरसाइज टू पार्ट सेकंड 15, 17, 20 क्वेश्चन करने हैं हमें यहां पर। सो 15 फ्लैट मिरर एम इज अरेंज चाहिए इसमें, ओके चलिए ये कंफ्यूजन रहा। ए फ्लैट मिरर एम इज अरेंज पैरेलल टू द वॉल एट अ डिस्टेंस एल from its as shown in its light produced by a point source as kept on the wall reflected by the mirror produce light patch on wall, the mirror moves with velocity v towards the wall, ठीक है, the patch of light will move with speed v, just a minute, from its the light produced by a source s कहाँ पर है, okay ये रहा, हाँ
net produced by the sources capital the world. देखो यहाँ पर है आपका S source, ये है आपका mirror. The patch of light will move with speed v of the wall. The patch of light will not move on the wall. नहीं move तो करेगा ये, ठीक है? रुक जाओ. और जो इसका जो आपका reflection होगा, भाई कुछ ये कुछ ऐसे, ये आपको देखो ऐसे होगा इसका. और ये आपका पैच बन जाएगा इन दो पॉइंट के बीच का, ठीक है? तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना एल है, ठीक है? तो ये अगर मैं ये वाला डिस्टेंस मान लूं कि ये आपका एक्स है, ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस मान लूं ये आपका वाई है, सॉरी वाई है, ठीक है? तो ये आपका इस वाले पॉइंट से ये जो पैच बनेगा, अगर यहां से लूं इसके कंपैरिजन में देखो मैं यहाँ पर, ठीक है, तो इसके कंपैरिजन में ये कितना हो जाएगा, ये आपका x हो जाएगा. तो इसका मतलब इससे कितने डिस्टेंस, अगर मैं इसको एक तरीके से 0-0 ले लूं, तो इससे कितना हो गया, इससे हो गया 2x डिस्टेंस पर पहले वाला पैच, ठीक है, मतलब पहले वाला पॉइंट इसका. और दूसरे वाला पॉइंट आपका क्या जाएगा, जैसे यहाँ पर ये y चला गया है तो ये भी आपका कितना होना चाहिए, ये भी आ गया आपका वाई ही होना चाहिए, ठीक है? और अगर ये भी आपका वाई है तो इसका मतलब इससे कितना हो गया, 2y के डिस्टेंस पर हो गया दूसरा. तो आपका कितने डिस्टेंस के अंदर आपकी ओवन रही है, 2y माइनस x के बीच का आपका पैच बन रहा है. तो पैच तो आपका मूवी नहीं कर रहा है. एज मिरर कम क्लोजर द पैच ऑफ द लाइट विल बिकम लार्जर, नहीं पैच ऑफ द पैच ऑफ द लाइट नॉट मूव ऑन द वॉल, ये सही है. द विड्थ ऑफ द लाइट पैच ऑन द वॉल रिमेन सेम, ये भी सही है. तो B और D आपके सही रहेंगे हमेशा, ठीक है, B और D हमेशा आपके सही रहने वाले हैं. यहां से आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 17 कैसा है, ये आपका 15 क्वेश्चन था. टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर विद देयर रिफ्लेक्ट अगर आपके दो मिरर आपके इस तरीके से रखे हैं, ठीक है, तो इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल बिटवीन द मिरर इंडिपेंडेंट ऑन इनिशियल एंगल ऑफ इंसिडेंस, भाई एक तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आपका मैटर नहीं करता है ये, ठीक है, क्योंकि डेविएशन जो डेल्टा होता है फॉर्म डायरेक्टली आपको डेविएशन के अंदर कराया गया है, वो कितना होता है, डेल्टा इज इक्वल टू जो आता है इसका कितना होता है भाई, दोनों के बीच में जो एंगल बनता है कितना होता है, एक तरीके से 2θ का एंगल बन जाता है, ठीक है, कि जैसे ये आपकी लाइट होती है ऐसे जाती है और ऐसे निकलती है, तो ये जो आपका एंगल बनता है वो कितना होता है, तो आपका 2θ का एंगल बनता है. और थीटा क्या होता है, थीटा आपका मिरर का एंगल होता है, ठीक है. तो इन दोनों के बीच का जो एंगल वो किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ मिरर के बीच के एंगल पे डिपेंड करता है, उस पे डिपेंड नहीं करता है आपके इंसिडेंट एंगल पे. तो आपके दो ऑप्शन हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड डिपेंडेंट अपॉन द मिरर एंगल, ये दो ऑप्शन यहां से मैच हो जाएंगे. चलिए 20 पे आते हैं फटाफट से. एन ऑब्जेक्ट इज कैप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, दिस इज कॉन्वेक्स मिरर फोकल लेंथ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पोल. The object starts moving with a velocity 220 mm per second towards the mirror at an angle of 30 degree with the principal axis. What will be the speed of its image and the direction with the principal axis? भाई देखो ये चीज है, एक ही आपका convex mirror है, कितने distance पर है, 10 centimeter पे है, यहाँ से 30 degree के angle पे है इसका. इसके दो component break कर लो, एक तो आ जाएगा V आपका perpendicular, एक हो जाएगा V पैरेलल, ठीक है. तो V पैरेलल आपका कितना होने वाला है भाई, इसकी जो इमेज हो जाएगी, मान लेते हैं मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, क्योंकि 10 के लिए आपके पास क्या है कि इसकी इमेज तो निकाल लोगे आप, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस अगर आपका V है और इमेज डिस्टेंस अगर आपका V है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस U है, तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या हो जाती है आपकी, डायरेक्ट फॉर्मूला आपको ड्राइव करवाए गए हैं, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये किसकी, ये पैरेलल वाला पार्ट डील हो रहा है, ये पैरेलल वाला वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट
कौन सा लेना है, पैरेलल वाला ही लेना है, पैरेलल, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, v बाय u हो जाएगा, ठीक है। माइनस क्या हो जाएगा, v बाय u, और वेलोसिटी ऑफ द इमेज परपेंडिकुलर, वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, माइनस v स्क्वायर बाय u स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ये दो फॉर्मूला होते हैं, इनको लगाओगे v और u निकल जाएंगे आपके। इसका मिरर फॉर्मूला आपको लगाना आता ही है, 36 बार लगाया है, इन दो से पक्का आपके आंसर आने वाले हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट विल द स्पीड ऑफ द इमेज एंड डायरेक्शन विद द परपेंडिकुलर एक्सिस एट दैट इंस्टेंस। भाई डायरेक्शन भी निकल जाएंगी इन दोनों को, जब आप टेन इनवर्स करोगे, मतलब दिस बाय दिस करोगे, दिस v परपेंडिकुलर डिवाइड बाय दिस करोगे, तो वो टेन इनवर्स में निकलना पड़ेगा, हो जाएगा मतलब आपका। आगे बढ़ते हैं। ना बात है एच सी वी का, शायद 35 क्वेश्चन हमें यहाँ पर डील करना है, एच सी वी का 35 क्वेश्चन, एच सी वी क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोल रखा है, फाइंड द एंगल ऑफ डिविजन सपोर्टेड बाय द लाइट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। भाई छोटे एंगल की प्रिज्म दे रखी है, वैसे तो ऐसे ही बनाई है, ऐसे दे रखी है, शेप से हमें क्या है कि कोई ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, 4 डिग्री का है, तो इसके अंदर डिविजन कितना होने वाला है, भाई फॉर्मूला हमें पता ही है, म्यू माइनस वन छोटे एंगल के लिए इनटू ए हो जाता है, ये होता है आपका डेल्टा, डायरेक्ट फॉर्मूला होगा आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सो इसी के साथ ही हमारा जो है आपका ये होमवर्क 10 खत्म होता है, ठीक है। सो फिर मिलेंगे आपसे आपके होमवर्क 11 के अंदर, ठीक है, उसको डील करेंगे, हो सकता है मुझे उसको दो पार्ट में ब्रेक करना पड़े, क्योंकि मैंने वो देखा आपका बड़ा है, अच्छे से ट्राई करके आइएगा, फिर हम इसको डील करते हैं। चलिए गुड बाय।